नीरज चोपड़ा एक ऐसा नाम जिसे आप शायद पहले जानते ना हो और अब शायद भूल भी ना पाएं। अरे भाई लड़के ने काम ही ऐसा किया है, देश को ट्रैक एंड फील्ड में पहला ओलंपिक मेडल दिलाया है और वो भी सीधा गोल्ड मेडल। 2008 के बाद से ये पहला मौका है जब भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। नीरज चोपड़ा ने ये उपलब्धि ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन थ्रो में हासिल की है। भारतीय जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के 16वें दिन शनिवार को इतिहास रच दिया। नीरज ने भारत को ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल दिलाया। भारत ने इस टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल 7 पदक अपने नाम किए, जिसमें 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड शामिल है। नीरज ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे एथलीट हैं। 13 साल पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटर अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आपको बता दें कि नीरज के सामने इस खेल के चैंपियन भी मौजूद थे, लेकिन सबको धता बताते हुए नीरज ने वो कारनामा कर दिया जिसे ट्रैक एंड फील्ड में भारत का कोई और खिलाड़ी नहीं कर पाया। तस्वीर में दिख रहे इन 8 कदमों ने तय कर दिया था कि सोना तो नीरज ही जीतेंगे। इस ऐतिहासिक जीत के बाद उन्हें जितने भी इनामों से नवाजा जाए कम ही होगा। आपको बता दें कि स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी सूबेदार नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए, पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए और BCCI ने 1 करोड़ रुपए की नगद राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को क्लास 1 की नौकरी, हरियाणा में अपनी इच्छा अनुसार प्लॉट खरीदने पर 50% कंसेशन और पंचकुला में बनने वाले एथलीट सेंटर का हेड भी बनाने का ऐलान किया है। दोस्तों अगर आप खेल प्रेमी हैं तो मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा मोमेंट नहीं देखा होगा, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं देखी होगी। जी हाँ, एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे ही प्रयास में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर सुनहरे जीत अपने नाम कर ली है और उसी पल ये तय हो गया था कि गोल्ड इस बार उनका ही होगा। इसको लेकर बहुत से लोगों ने कई सारी अटकलें लगाई थी, लेकिन नीरज चोपड़ा ने सारी अटकलों पर कह सकते हैं विराम देते हुए भारत को जिता दिया। नीरज चोपड़ा से उम्मीद थी कि वो मेडल तो जीतेंगे, लेकिन वो गोल्ड मेडल होगा और इसका कलर सुनहरा होगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और कुछ ही देर बाद जब नीरज चोपड़ा ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो इससे बड़ी गर्व की बात कोई और हो ही नहीं सकती है। ये जीत ना सिर्फ उनके परिवार के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे देश के लिए गोल्डन मोमेंट है और उन तमाम लोगों के लिए ये एग्जाम्पल है कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। दोस्तों इस खबर के साथ मैं थी चेल्सी सिंह। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये खबर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।